देखो आप ये बम फाड़ने चला गया ना, खत्म दिलवाता उसके नाम पे लेके मारता। हेलो हेलो करें, हेलो नरगस को कॉल किया हमने, दादी से कुड़ी का नंबर ले रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। और सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से, मेरे यूट्यूब चैनल की तरफ से ईद मुबारक, ठीक है। उसके बाद आज है ईद का दूसरा दिन, और मैं ईद के पहले दिन जो मेरा फर्स्ट दिन था ना ईद वाला, मेरा एक मसला हो गया था, वो मैं आपको व्लॉग में बताऊंगा, मैं व्लॉग नहीं शूट कर पाया था। आज है ईद का दूसरा दिन, और हम चलते हैं अब सीधा कब्रिस्तान। कब्रिस्तान पुप्पो की, दादा पुखी और दादी अम्मी की, हमने जाना है कब्र पे, जाकर उधर फूल छूल डालते हैं, साफ करके उसको चल के कब्रिस्तान चल के आपको मिलते हैं। सनी भाई सो रहे थे, इसको मैंने उठा लिया है, ठीक है। अब इनके साथ चलते हैं हम सीधा करें। सनी भाई थैंक यू, आप बहुत सख्त नींद आ रही है। फुल नींद में थे, सो रहे थे, मैंने इनको उठा लिया, मैंने कहा कब्रिस्तान जाना है। अभी भी सो रहे थे। मेरी आँखें चेक कर सकते हो कि कितना बुरा हाल हो रहा है मेरा। ऐसे ही ऐसे ही है, सड़कें तो अभी खाली हैं, ईद है, ईद का दूसरा दिन है आज, ठीक है ना। सड़कें वगैरह खाली हैं, वाम धूप इतनी है माशाल्लाह, क्या कर सकते हैं। ईद वाम निकलेगी अब रात के टाइम, ज़्यादा आवाम रात के टाइम निकलेगी। कब्रिस्तान जा रहे हैं, अब कब्रिस्तान चलते हैं। आपको पता है जो है ना, रात को ही उठते हैं हमारे, जितने भी लोग हैं हमारे पीरी ऐसी रात को उठते हैं। मैं पूरी रात का जाग रहा हूँ, ठीक है ना, सिर्फ ब्लॉक की वजह से। और कब्रिस्तान जाना था, ईद के पहले दिन जाना था, मैं तो ईद वाले दिन ही जाना था, पर एक मसला हो गया था मेरा, मैं नहीं जा सका। बाकी अब जा रहे हैं हम, और फूल चूल देखते हैं कहाँ से मिलने हैं, ऑटो मिलने हैं, ऑटो मिलने हैं, घुमा कर ले आओ। हाँ जी, हम आ चुके हैं शाह फरीद कब्रिस्तान, ठीक है। ये फूल भी हमने ले लिए हैं, अगर बत्ती में पानी भर रहा हम लोग जाकर साफ करते हैं कब्रें। दादा बू, दादी अम्मी और फुफोगी, ठीक है ना, चल के साफ करते हैं कब्रें, फूल छूल डालते हैं जाके, और उसके बाद दुआ शुआ करते हैं, फिर घर चलेंगे। ओके सनी भाई अगरबत्तियाँ जला रहे हैं, तो मैं आपको बताता चलो, ये मेरे दादा को की कब्र है, ये मेरी फुफ्फू की कब्र है, ठीक है, ये मेरी दादी अम्मी की कब्र है, और ये साइडों पर पता नहीं। मैं जब भी आता हूँ ना, मैं पानी वगैरह साइड वाली जो भी साथ वाली कब्रें होती हैं, मैं उन पर पानी भी डाल देता हूँ,
फूल वगैरह तो ये भी स्वाद का काम है। मेरे कपड़े भी सारे गंदे हो चुके हैं, देखो अगरबत्ती जला रहे हैं वो, अगरबत्तियाँ लगाते हैं इधर, तो दुआ पढ़ते हैं, फिर दुआ करके फिर घर चलते हैं। ऐसे बाकी साइडा नहीं कपड़ा ने ला दे अब हम दुआ पढ़ते हैं तो ठीक है ना, उसके बाद चलते हैं सीधा घर, घर जाकर बाप को मिलेंगे। दुआ खैर कर ली अपने, ठीक है ना बाप, जा रहे हैं एक कब्रिस्तान है शाम को। आप लोग भी जो है ना उनके हक में ना दुआ करना, जितनी हो सके उनकी मसरत के लिए आप जो दुआ करना वहाँ पे, आप जाए खैर करें आप सब बहनों भाइयों को। हाँ जी हम घर आ चुके हैं, ठीक है ना, अंत की गर्मी पड़ रही है इधर, धूप देखो जरा, ऐ देखो ऐ धूप एंड की पड़ रही है, ठीक है ना। और अब मैं पूरी रात से जाग रहा था, ठीक है, अब मैं सोने लगा हूँ, पूरी रात का मैं जाग रहा हूँ, अब मैं सोने लगा हूँ, ठीक है ना। अब हम आपको मिलेंगे शाम के टाइम, पूरा रेडी शेडी होगा जरा, आज ईद का दूसरा दिन है, पहला दिन ही हम मनाते, ठीक है ना, दूसरा दिन हम मनाते हैं। आज शाम को हम चलेंगे कहीं बाहर सैर सूल करने चलेंगे, कपड़े शपड़े पहनेंगे हम, फिर आपको रात को उठ के मिलेंगे। ओके अल्लाह हाफिज़। तो हाँ जी मैं उठ चुका हूँ, नींद छीन पूरी की है, सुकून हो गया कसम से, शाम 4 बजे सोया था मैं, ठीक है ना, और रात के 9 बज गए जब मैं उठा, शुक्र है बस नींद पूरी हो गई है, ये बहुत सुकून हुआ है मुझे। और लेट नाइट है, टाइम इतना शॉर्ट हो गया है, देखते हैं कहीं पैर चलते हैं, दिन दे आ रहा है, देखा खुली होगी कहीं ना कहीं चलते हैं। और अब आपको मैं मैजिक दिखाऊँ, ये देखो मैं रेडी होने लगा। हाँ जी तो रेडी हो चुका है आपका भाई, ठीक अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये देखो आए आए हाय, नए शूज नवीं पेंटा नवीं शर्टा, मुझे पता नहीं कसम से मैंने ईद के लिए अपनी एक चड्डी तक नहीं खरीदी। क्या बोला तूने? ये मेरे पापा गए हुए थे, वो मेरे शूज भी ले आए हैं, पेंटे भी ले आए हैं, शर्ट भी ले आए हैं, बस ये जो मुझे शर्ट पसंद आई है ना इसके साथ जो मैच हो रही थी, ये शर्ट थोड़ी सी तंग है, इसको मैं घर रख दूंगा, क्रीम ब्लॉक चल के नई शर्ट देते हैं, ब्लॉक के साथ रहना है, आपको दिखाते हैं क्रीम ब्लॉक चल के। तो हाँ जी मैं कहीं क्रीम ब्लॉक जाना था पर टाइम बहुत शॉर्ट था, क्रीम ब्लॉक सारी बंद है। अब मैंने ये कपड़े पहने, दिखाओ जरा मेरे कपड़े दिखाओ, ये करो ये अच्छा लग रहा है आपका भाई कि नहीं, आपके कमेंट में ये इसका देखो, आप ये बम फाड़ने चला कहीं ना कहीं, ठीक है ये मेरा भाई वैस की लानी है, फहद भी है, फहद आओ हम जा रहे हैं DHA फेज 6, अलीबास का भी दिखा देते हैं ना आउटफिट, आए हाय हाय हाय, हम जा रहे हैं DHA फेज 6 राया में, ठीक है ना, उधर चल के जरा इंजॉय करते हैं, देखते हैं चल के माहौल वगैरह देखते हैं। तो अब हम आपको रास्ते में मिलते हैं, इसलिए राया में बम चलाने जा रहा है, ये सिद्धू मूसेवाले का बहुत बड़ा फैन है। अच्छा अब हम चलते हैं उधर आया, और चल के आपको सीधा उधर मिलेंगे रास्ते में, आपको जो क्लिप मैं बनाऊंगा वो मैं ब्लॉग में ऐड कर दूंगा, बाकी अच्छा लग रहा हूँ या नहीं, अच्छा तो मैं लिखूंगा हूँ इतना प्यारा। चलो अब हम आपको रास्ते में मिलते हैं या डायरेक्ट उधर ही मिलते हैं। ओके बस आप पहुँच गए हैं, बहुत ही रश था, ठीक है बस आया आगे वो सामने आया है, अंदर हम चलेंगे, अंदर का माहौल देखेंगे, लोग फ्रूट करेंगे अपना भाई भी जब ऐसे लाने के पैसे लाने की कैब और नहीं सामने आया है बिल्कुल माल, वो पीछे लिबास और वो बाहर लड़का आ रहे हैं, रश बहुत था, कितने राउंड पे लड़के निकले हुए थे, तोबा, मैंने तो तोबा कर लिया राउंड पे जाने से, ये लोग आप भी जा रहे हैं, बाहर भी आ गया ये लोग, वो सामने रहा है ये राया के बाद हमने अपनी बाइक लगा दी है,
वो पार्किंग उन्होंने बंद की है, ठीक है ना। हम रश की वजह से बाइकों पे आए हैं, बट अगो सन नहीं थी पता कि बाइक अलाउ ही नहीं है। कैमरे लगे आयो आयो आयो, तो वो सामने लगाई हमने बाइक, इधर वो कह रहा कैमरे वगैरह लगे हैं। बाकी अल्लाह वारिस है, अंदर चलते हैं, खैर है बाइकों का। हम राया एंटर हो गए हैं, ठीक है ना, राया के अंदर आ चुके हैं। शूट वगैरह कर लिए हमने, फोटो शूट हमने इधर उतारी हैं। वैस गिलानी हमजा साहब का शूट हो रहा है अभी, मैंने अपना करवा लिया शूट। अब हम आगे चल के आगे का व्यू भी देखते हैं, आगे बहुत रश है, ठीक है ना। आगे जाके अब शुगर मेला लगाते हैं लोगों के साथ। मैंने हूं इंज जाना सी, चैलेंज मिले इंज फिर सब ने मेरा फैन होना500 दिया। किसने 500 किसे दिया? मैंने दिया, मैंने दिया, तेरे से मेरे गरीब दोस्त ने। ये सिद्धू मूसे वाले का बहुत बड़ा फैन है, बताओ। अल्हम्दुलिल्लाह, पार्टी बदल लिया साला, उसने खत्म दिलवाता उसके नाम पे लेके मारता, ठीक है, उसकी मगरिब मगफिरत के लिए दुआएं करवाता है। ऐसे ही है कि नहीं? नहीं ऐसे नहीं है, ये सही बताओ भाई, तुम गलत बता रहे हो। सिद्धू मूसे वाले का बहुत बड़ा फैन है ये, जब वो मरा था ना ये उसके घर से उसकी जैकेट ले आया था। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। दो लफ्ज गाने के सिद्धू मूसेवाला के तो सुनाए साला आप। सिद्धू मूसेवाला अमर मियां, वही मियां हमजा मियां बिल्ली, हमजा मियां बिल्ली। बाकी माहौल तो बड़ा हैवी है, बाकी माहौल बड़ा अच्छा है गाइस। देखते हैं अगली प्लेस, देखते हैं शूट करते हैं, फिर आपको दोबारा दिखाते हैं। एक हमारा इतना रश था ना अभी थोड़ी देर पहले, अब सब लोग चले गए हैं। बस हम जा भाई कह रहे हैं मेरी फोटो उतारो, मैंने सिद्धू मूसेवाले को भेज दी है, उसका जो मजार बना ना उस पर हमदा की फोटो हमें लगानी है। बिग फैन किला, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप। बाकी बड़ा मज़ा आया, हमें इंजॉय किया, हमजा भाई गुस्सा कर गए हैं, अब इनके मर्जी है गुस्सा करी जाए। बहुत मज़ा आया हमें, हम अब थोड़ी देर तक घर चलते हैं। अब देखो कोई हमारी मोटरसाइकिल की हवा ना कोई निकाल गया हो, वो हमारी बाइकें भी बाहरी लगी हुई है वैसे तो। अब हम निकलने लगे हैं घर, क्योंकि अगर हमारी बाइकें लगी होती पार्किंग में, गाड़ियाँ इसलिए खड़ा कर आए हैं घर पे, रश बहुत था, हम जल्दी पहुँच जाएंगे। और बाइकों पर आए हैं तो क्या हुआ हमारे साथ, एक हमने रास्ते में एक्सीडेंट भी देखा, उठाते ठीक है ना, बंदा नहीं मरेगा जो कह रहे हो जन्नत का मुकाम। बाकी घर चलते हैं, अगर बाइक हमारी पार्किंग में लगी होती तो हम इतनी देर वेट कर लेते इधर पर फिर टूर लेते। बाइक हमारी पार्किंग में नहीं है, ओपन ही खड़ी हुई है, बस अल्लाह खैर कर, अब देखते हैं चल के खड़ी है कि नहीं खड़ी, बाहर निकल रहे हैं। सिक्योरिटी गार्ड कितने तल्ले मारे जिसका हिसाब नहीं है, हमने इसकी कसम डाल दी पर वो नहीं माना, हमने उसको है हम ब्लॉगर हैं सुनी नहीं साड़ी। बाकी सही, अब चल के देखते हैं कि वो बाइकें खड़ी हैं हमारी या नहीं खड़ी होती, हमें एक ऐसा मिले अभी मजा आएगा ना भिड़ो, अभी तरफ बताया अपना नाम बताया ऐसा, हमें ऐसा मिले हैं ठीक है ना। इन्होंने कहा है मैं सब लोग, मैं आपके साथ टिकटॉक बनानी थी, ब्लॉग बना रहा हूँ मैं, यूट्यूब का चैनल भी आपको पता है, ठीक है ठीक है, ब्लॉग बन रहा हमारा ठीक है ना। ये फोन सुने आपका, हेलो हेलो करें, हेलो नरगस को कॉल किया हमने, तो क्या नाचो ओए
ਬੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬੰਦ ਕੈਮਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕੁੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬਾਕੀ ਭਾਈਓ ਕੇ ਸਾਥ ਮਿਲ ਕੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਦੱਸੋ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਰੋਂਦੇ ਰੱਖੇ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਰੱਖਣਾ ਬਾ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਣ ਥੋੜੀ ਦੇਖਣਾ ਮਨੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਸਾਰੇ ਰੱਖੇ ਆ ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਵਲੋਗ ਮੈਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਓਕੇ ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਮਿਲ ਕੇ ਬਾਕੀ ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਘਰ ਕੋ ਸ਼ੂਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਕੇ ਸ਼ੂਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇਰਾ ਘਰ ਚੱਲੇ ਹਮ ਓਕੇ ਗਾਣੇ ਲੱਗੇ ਹਨ ਬਾਕੀ ਓਕੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰੋੜ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰੀ ਬਾਈਕ ਦੋਵੇਂ ਸਲਾਮਤ ਹੈ ਹਮੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਮਝ ਲਓ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਥਾ ਡਰ ਮੁਝੇ ਆਪਣੀ ਬਾਈਕ ਕੇ ਸਾਥ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਵੋ ਦੇਖੋ ਕਿਆ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਬਾਈਕੋਂ ਕਾ ਓ ਹੋ ਹੋ ਮਿੱਟੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਨੋ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈ ਇੱਧਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੀ ਆਪ ਕਰ ਸਕਤਾ ਅੰਦਰ ਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਥਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੋ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈ ਇੱਧਰ ਹਮਾਰੀ ਬਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਗਣੇ ਨਹੀਂ ਦੀ ਹਮਨੇ ਬਹੁਤ ਉਨਕੇ ਤਰਲੇ ਕੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਕੋ ਬਤਾਇਆ ਹਮਨੇ ਕਿਆ ਕੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਫਾਈ ਹਮਨੇ ਕਹਾ ਆਪਕੇ ਗੁੱਟਨੋਂ ਕੋ ਹਾਲ ਲਗਾ ਦੇ ਪਰ ਨਹੀਂ ਮਾਨੇ ਬਾਕੀ ਸਹੀ ਹੈ ਆਪ ਚਲਤੇ ਹੈ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੋ ਅਭੀ ਕਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋਗੇ ਐਚ ਮਾਰਕੀਟ ਚਲੇਂਗੇ ਡੀ ਐਚ ਐਚ ਮਾਰਕੀਟ ਚਲੇਂਗੇ ਆਪ ਜੇਦੀ ਕੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਤੋ ਕਹੀਂ ਪੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬੋਤਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਪੀਏਂਗੇ ਪਾਨ ਛਾਨ ਖਾਏਂਗੇ ਮਿੱਠੇ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਘਰ ਚਲੇਂਗੇ ਸਿੱਧਾ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਾਬੀ ਦੇਖੋ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾ ਰਹੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਅਗਰ ਕਈ ਮੇਰਾ ਮਾਰਾ ਸਟੇ ਹੋ ਗਿਆ ਐਚ ਮਾਰਕੀਟ ਜੇਦੀ ਪਾਨ ਸ਼ਾਪ ਠੀਕ ਹੈ ਆਏ ਹੈ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਖੜੇ ਹੋਣੇ ਕੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਸੀ ਰਹੇ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਰੌਣਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਵੋ ਕਭੀ ਹੋਤੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਕਭੀ ਹੋਤੀ ਸੀ ਅਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਰੇ ਵੀਲਰ ਵਗੈਰਾ ਛੋੜੋ ਬਾਪ ਆਓ ਆਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਈ ਹੋਰ ਚੱਲ ਕੇ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਲਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿਆ ਲਾਈਟਿੰਗ ਯਾਰ ਬਣਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਆ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਬੋਤਲ ਵਗੈਰਾ ਵਾਹ ਤੇ ਪੀਤੇ ਹਾਂ ਛੇਬੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਛੇਬੀ ਉੱਧਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਚਲੋ ਇਸਲੀਏ ਮੈਂ ਵਾਹ ਪੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾ ਇਹ ਰੌਂਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਧਰ ਆਪ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਛੇਬੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਸਾ ਬੋਤਲਾਂ ਪੀਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਜੇਦੀ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਰੌਂਡ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸ ਯਾਰ ਐਵੇਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਐਵੇਂ ਵੀਲਾਂ ਵੂਲਾਂ ਵੱਜ ਗਈਆਂ ਹੈਲੋ ਸਟਿੰਗਾਂ ਲੈ ਜਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਯਾਰ ਪੋਸ਼ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾ ਧੁੰਦਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਭਾਈ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੋ ਉਮੀਦ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਆਪਕੋ ਵਲੋਗ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਗਾ ਅਗਰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਤੋ ਕਮੈਂਟ ਕਰੇ ਲਾਈਕ ਕਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇ ਔਰ ਚੈਨਲ ਕੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਕੋ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਕੋ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨੇ ਸੇ ਯੇ ਹੋਗਾ ਤੋ ਜਬ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵਲੋਗ ਆਏਗਾ ਨਾ ਨਿਊ ਤੋ ਆਪਕੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬਾਕੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨੈਕਸਟ ਵਲੋਗ ਮੇਂ ਤਬ ਤੱਕ ਕੇ ਲੀਏ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।